पूर्व सांसद जयपर्दा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सपा सांसद आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को आज जमानत मिल गई है। गौरतलब हो कि मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद आजम खां पर मुकदमा चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को 50,000 रुपये के जुर्माने लगाकर आज जमानत दे दी है और आजम खां को इससे बड़ी राहत मिली है। आइए चलते हैं खबर की ओर। गौरतलब हो कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, उनके अलावा कई और लोगों ने जो है पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। ये मामला जो है मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने जो है दोनों पक्षों को सुनते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को जो है फिलहाल के लिए जो है अभी ज़मानत दे दी है। 50,000 रुपये के मुचलकों पर यह ज़मानत दी गई है। आपको बता दें कोर्ट ने जो है दोनों को जो है ज़मानत दे दी, जिसमें आजम खान को जो है कुछ हद तक जो है इस समय राहत मिली है, मगर अभी भी जो है मुश्किल आजम खान की और भी जो है केस है और केस में भी आजम खान को जो है जमानत करानी होगी और आजम खान की लगातार जो है उनके वकीलों द्वारा जमानत लगाई भी जा रही है, तो कोर्ट ने फिलहाल इनकी जमानत मंजूर कर ली है। बड़ी खबर।